साइबर समाचार में आपका स्वागत है। आज की ताजा खबर। खुद को बैंक प्रतिनिधि बताकर जालसाजों ने एक बुजुर्ग महिला की ठगी की। हाल ही में सामने आए एक मामले में केवाईसी अपडेट के नाम पर एक बुजुर्ग महिला से कथित तौर पर 1,00,000 रुपए की ठगी की गई है। ऑनलाइन जालसाजों ने एक बैंक प्रतिनिधि बनकर महिला को ठगा। प्रारंभ में महिला को उसके मोबाइल फोन पर एक टेक्स्ट संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें उससे अपनी केवाईसी जानकारी अपडेट करने का आग्रह किया गया। संदेश में एक चेतावनी भी शामिल थी कि यदि वो दिए गए लिंक को खोलने में असफल रही तो उसका खाता ब्लॉक कर दिया जाएगा। हाल ही में जारी किए गए एक चेक के कारण महिला ने संदेश को वैध माना और लिंक पर क्लिक कर दिया। कुछ ही समय बाद उसे जालसाज का फोन आया, जिसने खुद को बैंक प्रतिनिधि के रूप में गलत बताया। जालसाज विश्वास स्थापित करने में कामयाब रहा और उसे केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने में सहायता की पेशकश की। जल्द ही अपराधी ने महिला के फोन पर एनीडेस्क एप्लीकेशन तक पहुंच का अनुरोध किया और उस पर नियंत्रण हासिल कर लिया। उसकी बातचीत के दौरान घोटालेबाज महिला से OTP भी प्राप्त करने में कामयाब रहा। लगभग 15-20 मिनट तक चली इस लंबी प्रक्रिया से महिला थक गई और आखिरकार वो सो गई। अगले दिन उसे बहुत निराश हुई जब उसे पता चला कि उसके बैंक खाते से धोखे से 1,00,000 रुपए की राशि निकल ली गई थी।